गाइस, माय नेम इज़ ज़ीनिया एंड वेलकम टू माय चैनल। आज बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। इट डज नॉट वर्क फॉर मी। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन है बट ये नहीं पता ये काम कैसे करता है, या फिर उन लोगों के लिए जिनके एक्सपीरियंस में कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं किया है। तो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कभी नहीं सुना है तो मैं बहुत ही क्विकली इन अ फ्यू सेकेंड्स आपको बताती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि आपको लाइफ में जो भी मिलता है उसको आप खुद अट्रैक्ट करते हो। मतलब भगवान ऊपर बैठ के ये डिसाइड नहीं कर रहा है कि आपको ये मिलना चाहिए या आपको ये नहीं मिलना चाहिए। आप खुद अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ें अट्रैक्ट करते हो, जो चाहते हो, जैसे सर्कमस्टांसेस चाहते हो, वही आपके पास आते हैं। एंड आई नो पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट दिस। डिड आई अट्रैक्ट दिस मैड गाय इनटू माय लाइफ? आर यू सीरियस? आर यू ब्लेमिंग मी फॉर दिस? इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबके लिए काम क्यों नहीं करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सीक्रेट इंग्रेडिएंट है फेथ। फेथ? आर यू सीरियस? लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। समझ लो कि अभी आप बच्चे हो और आपने अपने पेरेंट्स से बोला कि मुझे ये टॉय चाहिए। चाहिए ही चाहिए, आपने ज़िद की, आपके पेरेंट्स ने थक हार के बोला ओके बेटा ठीक है, यू कैन हैव दिस टॉय, मैं जाता हूँ अब लेके आता हूँ टॉय तुम्हारे लिए। अब आपके पेरेंट्स ने जब आपको हाँ कर दिया और वो टॉय लेने के लिए गए हैं, तब आप बैठ के प्रे तो नहीं करते ना कि हे भगवान मुझे टॉय मिलना ही चाहिए, हे भगवान मुझे टॉय मिलना ही चाहिए, टॉय मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, आप ऐसा नहीं करते। उस टाइम पर यू आर जस्ट थैंकफुल कि आपका टॉय आ रहा है एंड यू आर हैप्पी, यू फील अमेजिंग, यू फील ग्रैटिट्यूड। दिस इज़ हाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स। अब अगर आपने एक बार सोच लिया है कि आपको ये टॉय चाहिए या आपको ये पैसा चाहिए या आपको ये गाड़ी चाहिए, अगर आपके अंदर फेथ है कि आपकी विशेज ग्रांट होंगी ही होंगी, तो आप बैठ के प्रे नहीं करोगे कि हे भगवान मुझे दे दे, भगवान मुझे ये ज़रूर दे देना, मुझे ये चाहिए चाहिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आप बेग नहीं करोगे, आप थैंक यू बोलोगे, आप ग्रैटिट्यूड फील करते हो जब आपको पता है कि ये चीज़ जो आपने मांगी है वो आपको मिलेगी ही मिलेगी। एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स। दैट्स व्हाई फेथ इज द सीक्रेट इंग्रेडिएंट फॉर लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सेकंड, सीक्रेट इंग्रेडिएंट को यूज़ कैसे करें? अब अगर आपको अभी फेथ नहीं है तो भी अगर आप चाहते हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करे, तो आप क्या करो? लेट मी गिव यू अ सिंपल एग्जाम्पल। लुक अराउंड यू। इस क्रिएटर ने जिसने सब कुछ बनाया है, वो क्या आपके लिए एक छोटी सी गाड़ी, एक घर, पैसा, ये सब करना क्या उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ें हैं? पॉइंट तो है, जो ये सब बना सकता है वो आपको आपकी वो जो जॉब आप चाहते हो वो नहीं दिला सकता। आप में कितना विश्वास है कि उसमें वो पावर्स हैं? अगर आज आपको अपनी पावर्स पे विश्वास नहीं है, पर अगर आपको क्रिएटर की पावर्स पे विश्वास है, तो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल वर्क फॉर यू। अब थर्ड पॉइंट ये है कि अब आपके पेरेंट्स वो टॉय लेने चले गए हैं, अब उस टॉय के बारे में चाहिए 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 करना बंद कर दो, क्योंकि अब आपको पता है कि आपकी विशेस ग्रांट हो चुकी हैं। इसकी पावर में विश्वास करके गिव अप, जस्ट लीव इट अलोन। आपने विश मांग ली है, आपको पता है कि इसमें पावर्स हैं, ये कर देगा, एंड देन लीव इट अलोन, डोंट वरी अबाउट इट। दोबारा से समराइज करती हूँ कि तीन पॉइंट्स क्या हैं। सबसे पहला पॉइंट, सीक्रेट इंग्रेडिएंट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए फेथ, कि आप में विश्वास कितना है। सेकेंड पॉइंट ये है कि अगर आपको अपनी पावर्स में विश्वास नहीं है, तो आप क्रिएटर की पावर्स में विश्वास करो। और एनी विच वेज, अगर आप में विश्वास है, चाहे अपनी पावर्स में चाहे इसकी पावर्स में, थिंग्स विल कम ट्रू, योर विशेज विल कम ट्रू। अब आपको पता है कि क्रिएटर इज़ वर्किंग फॉर यू। आपके पेरेंट्स ने उस टॉय के लिए यस बोल दिया है, तो लीव इट अलोन, स्टॉप प्रेइंग, स्टार्ट सेइंग थैंक्स, दैट्स इट। इस वीडियो में मैं आपसे सिर्फ ये तीन पॉइंट शेयर करना चाहती थी अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अबाउट फेथ एंड हाउ यू कैन यूज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन टू मैनिफेस्ट एनीथिंग दैट यू वॉन्ट इन योर लाइफ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू डू, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल बिलो। दिस इज़ ज़ीनिया मेहता साइनिंग आउट। बाय बाय।